या कहानी में कई बार बता चुके, माँ बताया करते बचपन में आगे जो ने एक कोई बच्चों पढ़ने गए तो मुझे के काम हो दूसरा बच्चा को बच्चों खा जाए तो अपने तो कौन तो कटा सी लाया बोले माँ स्कूल में पाए था मैंने मेरे भीतर करते फिर पास बड़ो हो तो पेन छिल दिया पास और बड़ो हो तो पेन खा लिया पास कॉपी किताब खा लिया फिर वो नामी चोर हो गई फिर माँ छुपाती गई अब छुपाते गए तो लास्ट में एक दिन जो राजा गाना चोरी कर ली तो साहब जो राजा का तो बहुत वो गुप्त पकड़ लिए तो बाजू बोले भाई को जो है फांसी की सजा दे दो इतनी बड़ी चोरी बोले फांसी की सजा तो साहब दे दी मैं अंतिम इच्छा की बोले अंतिम इच्छा बोले मैं मेरी माँ से मिलता हूँ माँ तुम ले गए ले गए माँ भी रोई वो भी रोई दोनों रोता है वो उनका हाथ तो पीछे बांधा गया भाई बता की बात करनी बोले मेरे कने जी कर माँ कान में बात कर तो कान करने करे बोले कान का बट्टू बदले बोले आप फांसी की सजाते हैं दिवाई बोले मैं बेटा क्या बोले तुम लाए वो उन्हें छुपाती गई अब शुरू वाला दिन बर्तन तोड़ के लाए दिन दो झापट मार दी ने तो बोले मैं चोरी करते बोले आज बुरा तक तो माँ बाप बहुत ज्यादा जिम्मेवार है बच्चा में संस्कार देने वो किसी दिन अब बहुत ज्यादा मैं जो है मार्गदर्शन में बहुत काम पड़े आदमी काम पड़े तो बच्चों जो है ना इतनो विशेष ध्यान रखे जाए उनको इतनो ज्यादा रखे बिना बात जो है ना वो बाजार में चले जाने का जो है मैं बंदूक ले लू अब बंदूक के जरिए मतलब पहला तो 500 अब 500 वो दो बार चार बार ना टर्बो करे ना रखे करे उनको वो तोड़ देगा तोड़ को कोई काम के को नहीं पर वो साहब मट्टी में लौट जाए और कोई काम करे तो फिर साहब जो है बहुत ज्यादा वो दिखे तो वो कहेगा लोग मार के उनका जो ना उनका प्रेम मार के मोह मार के और वो 500 रुपया वो बिना बात को दिला दे और वो जो है घर को पूछा जैसे पहले उनका टांगड़ा पूछा पहाड़ के और दूसरी जगह कितने 10 रुपया भी कहते गाय का नाम से या कहते कोई यज्ञ मन में या कहते कोई प्रसाद मंडारा में लगा लग जाए लग ही कौन ना भाई कोई नहीं रुपया कटे रुपया उनमें दाय भोग रहे और पाचों को परिणाम आओ ने बहुत वृद्धावस्था में बहुत आदमी की शक्ल देखते हैं आगे बैठे कितना उदास होते छोड़ो मारा जी मन नहीं बन छोड़ो देख रहे हैं जो राम जी बोले पंचन आओ ने पूरा गांव की घटना बताऊ ना 4-5 लड़का थे और वह साहब जो ना मेरे तो सुने उड़ी है छोड़ के कोई पर वो आदमी मेरा देख रहा है तो वह 25 तारीख नहीं जो है वो बटलो आवे बोलो पिताजी का जो है ना कचेरी चलो जब गाड़ी में चला चालियो जाडो जुडो बहुत है वो है रोटी खाओ दूसरा के और फिर वो जो है पहली पेंशन खाते फिर वो दूसरा आओ तू ले जाओ गाड़ी में मोटरसाइकिल पर दिवा ले आऊंगा तीसरा चौथा या ना मतलब अच्छी रोटी खाऊंगा अच्छी तरह से बोल में और फिर पता कौन सा का हाथ लग जाए तो पहली बखत ही ले जा कचेरी आज ले जा के और फिर पास बाद में लोग हैं वो पेंशन जैसे ही हाथ मार लेता है तू चले जाइए पिताजी कहीं का साथ मैं नार नोर जाके आऊंगा मतलब इतनी पार्टी भी कौन देखे भाई घर तो बाहर जाए तू बोले जाओ ना चले जाइए कहीं का साथ चले जाइए बैठ जाइए उधर और उन दुकान पर चाय पी लिए पास जो उनको कर लिए मैं नार नोर जाके आऊ मतलब ये प्रत्यक्ष बिटूरी बात तुम बताओ हाँ जन परिवार के लिए जन बच्चा के लिए जन घर के लिए जो ना सब कुछ लगा दियो एक दिन तो गुरु महाराज जी ऐसे उदाहरण दियो आगे उन्हें बताई आगे बोले भाई जो है वृद्धावस्था में बहुत दिखता हो जाऊ दांत टूट जाओ है अजमु खराब हो जाओ है और वो दर्दो या कोई दूर है ना आज भाई ठीक ही बनाइए तो बेटा जी वो पोता जी उन्हें गुड़ लेना आज भाव जो तो वो खिचड़ी खाकर यह स्थिति है अब आग भाव है जन के लिए जो ने रात में सोया को नहीं अच्छा कड़वा कर कौन को पर जो ने कोई भी कोई खर्च कौन करो या कारण ने करोड़पति धनवान बना जाओ सारा संसार को धन है मेरा बेटा कहा जाओ और वह बेटा ऐसे व्यवहार कर दी है आज बस पूछो ही मत एक जो ने हमने ऐसे उदाहरण दियो आज बहुत अरबपति आदमी आज को और वो के काम करो वो उनका बच्चा अब कोई किडनी खराब होगी तो किडनी खराब होगी साहब पानी पैसा कौन कर सके दिक्कत हो किडनी खराब हो जाएगी आप वो साहब वो बच्चा के काम करो आगे पिताजी चलो
हॉस्पिटल में चलो डायलिसिस करवा के लाऊंगा। और वो ना भाई मैं ठीक समझ रहा है, ठीक हूँ बोलो मैं दो दिन पर उन्हें जो राम मर्दी उठा के जो मुझे डायलिसिस करवाना है, डायलिसिस में किमें तो ब्रदर बता खून बढ़ाए को नहीं और किमें डायलिसिस में चलू जा। वो हाथ जोड़े मैं को नहीं जाऊं पर फिर भी अपनी शान खातर अपनी जो है वो अगर दिखाया को नहीं इतना रुपया था तो जोरा मर्दी मरवा दिए। तो ये जो है जन के लिए बहुत कुछ कर रहा है, करो अन्न साथ साथ संस्कार भी दो। छोटा बच्चा नहीं बताओ ये तेरा ताऊ है, तेरा चाचा है, ये अपना परिवार है, ये अपना घर है, ये तेरा दादो है, तेरी दादी है, ये सब संस्कार बताओ उन्हें। या मत को अन्न कर मत बैठा गए अपने अन्न की बोलता नहीं को नहीं। छोटा छोटा बच्चा मैं देखा है आज दो ना अहू का पिताजी की जूती चप्पल घड़ी पहन ली ने कटवा ली, मेरा पापा की है उनको ना जूती चप्पल कटवा दी, कोट या कपड़ों को परिवार में आपस में पहन ली ने। तो उनको इतना ज्यादा वो रहे इतनी शिक्षा दी जाए उन्होंने इतना जो अनुभव करता है अब ये दूसरा है आपका दूसरा है और उनको परिणाम फेंको और कहीं ना को दूसरा फिर आप नहीं समझ में आई। ये अंधेरी है मेरी कमाई है वो करेड़ी है